दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पाल। आप देख रहे हैं आपका अपना अंकित पाल फिटनेस। और आज के इस वीडियो पे हम लोग बातचीत करेंगे कैसे आपका जो बॉडी है उसका फैट जो है आप कम कर सकते हैं। यानी कि इन सिंपल शब्दों में कहूँ आपको कि आपकी जो चर्बी है, जो आपके शरीर में जो चर्बी आप बना के रखे हुए हैं, जो आप चर्बी लेके घूम रहे हो शरीर में, उसको हम कैसे कम करें। अब ये क्वेश्चन मुझे हर बार पूछा जाता है गाइस, कि मैं सबसे पहले तो मैं सब आप लोगों को बोल के थक गया हूँ, भैया अपना न्यूट्रिशन सही करो, अपने खाने पीने को चेंज करो। जब तक आप अपने खाने पीने को चेंज नहीं करोगे, तब तक आप जो चर्बी है शरीर से वो कैसे घटेगी। बहुत सिंपल सा एक जो क्वेश्चन मुझे एक बार और आया हुआ था और ये हर बार आता है कि हम जिम में जाके वेट लॉस करें या फिर आप जो है घर में ये सब चीज कर सकते हैं। यानी कि अपनी जो चर्बी है वो आप जिम में जाके घटा सकते हैं या फिर आप जो है अपने घर पे भी कर सकते हैं। देखिए भैया, जिम का काम अपना है, जिम जो है वो अपनी चीज पे चलता है और आपका जो न्यूट्रिशन है वो अलग चलता है। यानी कि आपका जो ट्रेनिंग होगा वो लगभग 100% होना चाहिए, आपकी जो न्यूट्रिशन होगी वो भी 100% होनी चाहिए। तो पहले एक टाइम पे ये आपने सुना होगा, कई सारे बड़े यूट्यूबर्स ने बोला है कि 80% जो है आपकी न्यूट्रिशन होनी चाहिए, 20% आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो वो चीज़ जो है अब खत्म हो चुकी है, वैसा कुछ नहीं है। अभी न्यूट्रिशन भी 100% होना चाहिए और आपका जो ट्रेनिंग है यानी कि जिम है, जो एक्सरसाइज जिसको आप बोलते हैं, वो भी आपका 100% होना चाहिए। अब गाइस देखिए, ये जब दोनों 100% होंगे ना तभी काम करता है। अगर आप कहीं पर भी 20-40 करेंगे तो ये चीज़ कभी काम नहीं करती है। पुरानी ये थ्योरी थी, ये जो है वो गलत हो चुकी है। सो अभी नई थ्योरी जो आई थी उसमें यही लिखा हुआ है एंड यही फैक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोग क्या क्या खाते हैं। आपके सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ ज़रा कमेंट करके बताओ कि आप अपने सुबह, दोपहर, रात में यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या खाते हो, ताकि मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर सकूँ कि किस किस चीज़ को आपको हटाना है अपनी डाइट से। सो मेरी एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अब क्योंकि देखिए भाई, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अब वीडियो में क्या एक बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगा। अब उसमें होता क्या है कि कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, बट कुछ लोगों के फिर भी दिमाग में डाउट्स होते हैं कि भैया हम ये खाते हैं, वो खाते हैं, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं आप लोगों से कि थोड़ा सा आप कष्ट करें और आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या खाना खाते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो फुल डे ऑफ ईटिंग अपना बताएं और नीचे लिख दीजिए कि मॉर्निंग में मैं ये खाता हूं, ब्रेकफास्ट में ये खाता हूं या फिर ये वो वगैरह वगैरह। अब जो है मैं क्या करूंगा, जितने भी आपके जो कमेंट्स होंगे ना, उन कमेंट्स में फिर मैं रिप्लाई करूंगा कि आप क्या क्या चीज गलत खा रहे हैं, कि क्या क्या आपको चेंजेस करने की जरूरत है या फिर क्या आपको ज्यादा खाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत सिंपल सी, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें ताकि मैं आपकी जो है हेल्प कर सकूं। बिकॉज मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग हेल्दी रहें, आप लोग सब के सब, आपकी फैमिलीज भी हेल्दी रहें। सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने भी आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उन सबको अच्छे से अच्छे रिप्लाई कर सकूं। इन केस कोई अगर बच जाता है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर मैसेज करिए एंड हाय हेलो मैसेज करके मत कीजिएगा, सीधा अपना जो क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सीधा मैसेज कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि हाय हेलो देखिए गाइस, अगर आप नॉर्मल हाय लगते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आप नॉर्मल जस्ट हाय हेलो के लिए मैसेज कर रहे हैं, बट अगर आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो मेरे दिमाग में ही रहता है कि हाँ भैया मुझे इनको रिप्लाई करना है, सुएंसो को रिप्लाई करना है, इनका ये क्वेश्चन है। अब ये हो गया हमारी क्वेश्चन वाली बातें। अब हम बात करते हैं गाइस कि पहली बात आपको चर्बी आ क्यों रही है। जैसे कि मैंने कहा, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वहां से आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब बात करते हैं कि आप रोटी सब्जी खा रहे हैं। सबसे पहले मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि रोटी जो है वो ग्लूटेन होता है रोटी के अंदर, उससे आपके लिवर डैमेज होगा, तो प्लीज वो खाना कम कर दीजिए या फिर कहूंगा खाना छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा है। एंड अगर अब बातचीत करूँ राइस के बारे में, अगेन राइस जो है कार्बोहाइड्रेट्स होता है। राइस आप जैसे खाएंगे एडिपोज टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाएगा, फिर चर्बी बन जाएगी और आपको कितनी एनर्जी देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, बस उसके बाद वो चर्बी बन के आपके शरीर में लटकने लग जाती है। बट यही चीज़ है। अब जैसे मैं अगर कोई चीज़ खा रहा हूं, तो मैं क्या खाता हूं? मैं रोटी नहीं खाता, मैं चावल नहीं खाता, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूं। यानी कि मेरा कार्बोहाइड्रेट्स लगभग दिन का जाता होगा 10 ग्राम या 20 ग्राम ऐसे कुछ जाता होगा और मैं 30 ग्राम से कभी भी एक्सीड नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे शरीर में क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। अब इसकी वजह से मेरी जो एनर्जी लेवल्स हैं बहुत हाई रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं प्रोटीन और फैट डाइट में रहता हूं। यानी कि मेरा जो फैट है, जो हेल्दी फैट्स है, जैसे घी, बटर, चीज़, ये मैं ज़्यादा खाता हूं, बटर ज़्यादा खाता हूं। जितना मैं कर सकता हूं उतना कोशिश करता हूं कि 100 ग्राम या 200 ग्राम जो है वो मैं प्रोटीन अपना मेंटेन करके रखूं, क्योंकि मुझे अपना मसल जो है नहीं गिराना है, जो मेरा वेट है मैं नहीं चाहता हूं मेरा वेट कम हो जाए या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो। सो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर ये वीडियो में कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि आपका न्यूट्रिशन जब तक आप सही नहीं करोगे,
तब तक कोई फायदा नहीं है, तब तक वो चर्बी आपकी जमी रहेगी। अब बात करते हैं गाइस कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे घटाना है। आप लोग बोलते हैं भैया एक महीने में कर हो सकता है क्या, कि एक हफ्ते में हो सकता है क्या? देखिए बहुत सिंपल है, जब आप अच्छे न्यूट्रिशन में रहेंगे तो डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट क्या है, आपका लीन बॉडी मास कितना है, ठीक है। ये बहुत सारी जो क्राइटेरिया होती है वो तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, तब जाके जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है वो अपना कैलकुलेशंस करके आपकी जो एक डाइट है उसको बनाता है। सो अगर आपको एक डाइट प्लान दे दूँ, सपोज वेट लॉस का डाइट प्लान दे दूँ सिंपल सा, तो वो कितनों पे काम करेगा कितने भी नहीं करेगा मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें पहली बात मैक्रोज अलग है, मैक्रो के कैलकुलेशंस अलग हैं, साथ ही साथ आपका जो बॉडी है उसका बॉडी अलग था, मैंने किस बॉडी वेट के हिसाब से बनाया, किस हाइट से बनाया, हर बार मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप तो न्यूट्रिशनिस्ट हो नहीं, आप वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वो कैसे समझोगे क्या कैसे हटाना है क्या कैसे घटाना है वो भी है। तो इसलिए मैं कभी भी ये वेट लॉस डाइट प्लान नहीं बना पाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया वेट लॉस का डाइट प्लान बना दीजिए एक बेसिक, तो भैया बेसिक तो बन जाएगा बट वो फॉलो कौन करेगा? वो अगर मैं 5-7 वाली हाइट वाले के इंसान के लिए बना दूँ तो फिर वो 6 फुट वाला क्या करेगा? 6 फुट वाले को फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं ये सब डाइट प्लान जो है नहीं बनाता सैंपल वाले, क्योंकि इनमें सब में कैलकुलेशंस लगती है और सबकी बॉडी वेट, सबका रिक्वायरमेंट, सबके बीमारी अलग अलग हैं, तो मैं कैसे किसी एक इंसान के लिए, पर्टिकुलर इंसान के लिए वेट लॉस बना दूँ? अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे DM करें मैसेजेस में, या फिर मेरे Instagram में मैसेज कर सकते हैं मुझे, वहां पर आपको मैं आपके हिसाब से मैं आपका डाइट प्लान है वो मैं आपको बना के दे दूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो अभी आपने जैसे आपको पता चल गया भैया कार्बोहाइड्रेट जो है एकदम इंक्लूड वो हटा देना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये बात आती है गाइस कि जैसे ही हम लोग बात करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट हटा दो, तो लोग क्या करते हैं, भैया आप तो हमें बॉडी बिल्डिंग वाला वो बता रहे हो कि हमें तो ऐसा लगता है स्टेज पे जाना है। देखो यार कार्बोहाइड्रेट्स पहली बात तो सबको पता है भैया वो आपकी किडनी डैमेज करती है, आपके लंग्स डैमेज करते हैं, मतलब जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो वैसे ही कहीं ना कहीं जाके डैमेज करती है। आपको डायबिटीज़ हो जाता है, ज़्यादा कार्ब्स खाने से अर्थराइटिस हो जाता है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। अब भैया जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको क्यों खाना, क्यों अपने शरीर में डालना, ऊपर से आप चर्बी भी ले रहे हो तो क्यों भैया? ये तो समझ सकते हो ना आप कि उसको पहली बार तो खाओ मत ये सब चीजें, और अगर आप खा रहे हो तो थोड़ा हिसाब से खाओ कि एटलीस्ट आपको जो है ज्यादा नुकसान ना करें। बट ये बोलूँगा कि छोड़ना मुश्किल है, बट ठीक है हो जाता है कहीं ना कहीं एक टाइम पे, आप जो समझ जाओगे दिमाग लगाओगे आप, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं बताने वाले, उल्टे सीधे चीज़ें बताने वाले, वो अगर बर्गर खा रहे हैं तो आप भी सोचते हैं कि भैया हम भी बर्गर खा के बॉडी बना लेते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो चीज़ बिल्कुल अलग थ्योरी में आती है, उसको मैं किसी और टाइम पे एक्सप्लेन करूँगा कैसे ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आप जो है बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो वो चीज़ मैं कभी और कवर करूँगा। सो जैसे कि आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो गया, आप एक हाई फैट डाइट पर चले गए, आपका प्रोटीन अच्छा हो गया, आपका फैट्स अच्छा हो गया, अब जो है आप पानी भी अच्छा पी रहे हो, आपके शरीर में सॉल्ट भी अच्छा जा रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया कार्ब्स हटा दो उसके बाद आप पानी वानी छोड़ दो उसके बाद आप सैलेड डाइट पे चले जाते हो। सो कॉल्ड पता नहीं ये सैलेड डाइट पे क्या बकवास करते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है यहाँ पर कि आपको सिर्फ और सिर्फ सैलेड खिलाते हैं, खिलाते रहते हैं, उसमें पानी भी आपको ज़्यादा पीने के लिए नहीं बोलते, नमक डालने के लिए नहीं बोलते। अरे भैया उसको नमक नहीं मिलेगा तो गिर जाएगा, उसको सोडियम नहीं मिलेगा गिर जाएगा, इवन उसको पानी नहीं दोगे डिहाइड्रेट होकर गिर जाएगा वो, क्यों उसको अपनी मारना चाहते हो तुम लोग अपने गलत नॉलेज से? ये चीज़ मेरे को बहुत ख़राब लगती है, एंड मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि अगर आपको कोई बोलता है भैया कि कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाओ, यू डोंट हैव टू गो ऑन अ कैलोरी डेफिशिएंट डाइट, दिस Like, सबसे यूजलेस डाइट अगर मैं बोलूंगा ना जो सबसे ज्यादा ट्रेंड करती है इंस्टाग्राम और यूट्यूब में वो है कैलोरी डेफिशिएंट डाइट, यानी कि आप कम खाओ ज्यादा मेहनत करो। अरे भैया उसको पहले खाना तो दो, वो खाना खाएगा उसके बॉडी में एनर्जी आएगी तो ना वो मेहनत करेगा, आप उसकी जान निकाल दे रहे हो ऐसे मुंह पचक जाता है। मैंने देखा है जो सैलेड डाइट वाले जो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट वाले रहते हैं मुंह पचका रहता है, लेडीज उनकी जो कमजोर हो जाती है, चर्बी फिर भी उनकी लटक रही है, क्यों? क्योंकि उनको सही न्यूट्रिशनिस्ट नहीं मिला है। सो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये सब डाइट्स जो है ना फैंसी फैंसी वाली जो भी डाइट रहती है उनसे प्लीज दूर रहें। बहुत मैं डेली देखता हूं, मैं डेली ऐसे लोगों को समझाता हूं फिर भी ये लोग समझते नहीं है, इंस्टाग्राम में उनको मैं कहीं ना कहीं से जाके अपने तरफ से बताता हूं कि भैया प्लीज ये गलत चीज मत प्रमोट करो, इससे लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट सबको अपना पैसा कमाना है तो हम किस लिए उनको उंगली करें? आप भी जो है आपको अपना वहां से पैसा देखना है तो भैया आप भी वैसा कीजिए, आपकी मर्जी है, बट जो चीज सही है मैं हमेशा उस सही चीज को प्रमोट करने वाला हूं। अब आप कितना एक महीने में घटा सकते हैं या फिर कहूँ कि कितना आप घटा लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डाइट जो है हमारा काम है डाइट देना, हम आपको डाइट देंगे। अब आपने एक हफ्ता फॉलो किया उसके बाद आपने वापस से छोड़ दिया, फिर आप जंक फूड खाना शुरू कर दिए, फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फ्रूट्स खाना शुरू कर दिए, फिर से आपका जो है वेट जो है बढ़ जाएगा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ एक महीने में लगभग आप लूज कर सकते हैं 3 से 4 किलो, वैसे तो हम 5 किलो भी बोलते हैं बट वो बहुत जो स्ट्रिक्ट होते हैं ना एकदम खाने पीने को लेकर, वो 5 किलो तक आराम से लूज कर लेते हैं, बट
जब हम किसी के पास जाते हैं कि हमें मतलब जैसे डाइट बनवाना है सपोज आपको, सो हम नॉर्मली बोलते कि भैया 2-3 किलो तो कम हो जाएगा, इसलिए बोलते क्योंकि हमें पता होता है कि आप जो है कितना फॉलो करेंगे कितना नहीं फॉलो करेंगे वो बाद में पता चलता है। सो यही बोलूँगा कि 1 महीने में पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है, मैं ये कहूँगा कि 1 हफ्ते में भी पॉसिबल है, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगेन आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे आप खाना खा रहे हैं, कैसा आपका लाइफस्टाइल है, कैसा आपका लिविंग लाइफस्टाइल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत चीज़ें फॉलो तो कर रहे होते हैं बट इतना दुनिया में आपका स्ट्रेस होता है कि वो कई सारी चीज़ें नहीं हो पाती है प्रॉपरली, तो लाइफस्टाइल पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। सो यही मेरा आज का टॉपिक था कि कैसे आप जो फैट है अपना 1 महीने में कम कर सकते हैं। इसका सिंपल सा फंडा है, अच्छे न्यूट्रिशन पे रहिए, हाई फैट डाइट पे रहिए, नॉर्मल प्रोटीन रखिए, अपना जो फैट्स है जो हेल्दी फैट्स कंज्यूम कर रहे उसको ज़्यादा करिए, एंड अगर आप जिम में जा सकते हैं कार्डियो वगैरह कर लीजिए, आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, वेट ट्रेनिंग सबसे बेस्ट है गाइस टोनिंग के लिए, मतलब बॉडी में शेप अगर आपका अच्छा आएगा तो वो आपको ही पता है गाइस अच्छा लगेगा, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। तो शेप जो है कैसे आएगा, जब आप जिम में जाएंगे, मेहनत करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे, वेट ट्रेनिंग कीजिए, आपके बोन्स अच्छी रहेगी, बोन डेंसिटी बढ़ेगी, सब चीज़ अच्छा होगा। सो यही मेरे इस वीडियो में मुझे बताना था आप लोगों को कि 1 महीने में आप बहुत ही ईजिली कम कर सकते हैं वेट, जस्ट आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए। और भी ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए, मैं आपका जो है प्रॉपर एक डाइट प्लान बना दूंगा। सो गाइस मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, दिस इज अंकित पाल, ओवर एंड आउट।